हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक नए वीडियो पे। और आज मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप YouTube लाइब्रेरी की म्यूजिक को डाउनलोड। एज यू नो, सब लोग कहते हैं कि YouTube लाइब्रेरी की म्यूजिक यूज करो, कॉपीराइट नहीं लगे। तो डाउनलोड कैसे करनी है काफी लोगों ने नहीं बताया, तो चलिए मैं आज बताता हूँ आप लोगों को कि कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं YouTube लाइब्रेरी म्यूजिक, जो कि काफी कमाल की होती है दोस्तों। और लास्ट में मैं कुछ ऐसे म्यूजिक भी बताऊंगा जो जनरली मैं यूज करता हूँ, काफी क्रिएटर लोग भी यूज करते हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहे और चलिए फिर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आपको वन बाय वन स्टेप स्टेप मैं समझाने वाला, तो वीडियो को अच्छे से देखना, अदरवाइज आप मिस कर जाओगे इन्फॉर्मेशन को। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करनी है, क्रोम पे आपको चले जानी है। तो मैं क्रोम पे यहां पे सर्च कर लेता हूं और यहां पे मैं सर्च करूंगा YT स्टूडियो। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, मोबाइल में बता रहा हूं, तो यहां पे एज इट इज ऐसे करना, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन में खुल जाना। मुझे एप्लीकेशन पे ओपन नहीं करनी है, तो YT स्टूडियो डेस्कटॉप आपको सर्च करनी है। ये यहां पे सर्च हो गई है। अब दोस्तों यहां पे नीचे आपको लॉगिन में कर लेनी है ताकि आपका YT स्टूडियो आपका वेब फॉर्म में निकले, ठीक है ना, डेस्कटॉप मोड में ओपन होगी। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा है मुझे। चलिए यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा वेट के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है दोस्तों, ये हमारा इंटरफेस है। और यहाँ पे जूम आउट करके सारा कुछ यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपको क्या करना, लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपका चैनल के नेम, यहाँ पे कंटेंट एंड एवरीथिंग, यहाँ पे सब कुछ होगा। यहाँ पे डॉलर साइन है, उसके बाद ये देखें यहाँ पे ये है, उसके बाद सबसे नीचे में आपको म्यूजिक की साइन दिख रही है, वहाँ पे आपको टैप कर देनी है दोस्तों। यहाँ पे म्यूजिक पे टैप करते ही एक नया इंटरफेस खुल के आएगी, वो इंटरफेस आपको देख लेनी है। तो अब यहाँ पे फाइनली यहाँ पे बहुत सारी आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे आप किसी को भी प्ले करके सुन सकते हो। यहाँ बहुत है, थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड म्यूजिक यहाँ पे यूट्यूब प्रोवाइड की हुई है। अब हमें डाउनलोड कैसे करनी है दोस्तों, वो भी हम देखेंगे। अब क्या करना है कि मान लेते हैं कि एक म्यूजिक है, जैसे ये है इट वॉज ए टाइम, ये म्यूजिक है। तो यहाँ पे मैं ऐसे अगर प्ले करता हूँ, ये प्ले भी होगी, राइट। तो आप सुन भी सकते हो, आप अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। जस्ट उसके राइट साइड में आप जैसे इसको स्लाइड करोगे तो आपको डाउनलोड की ऑप्शन मिलेगी सिलेक्ट करने बाद। तो दोस्तों यहाँ पे डाउनलोड पे आपको टैप कर लेनी है। डाउनलोड पे टैप करते ही यहाँ पे क्या होगा, डाउनलोड की ऑप्शन आएगी, यहाँ पे आपको कर देनी है डिटेल में। आप यहाँ पे देखें कि ये यहाँ पे हो रही है डाउनलोड, राइट। तो ऐसे ही आपको डाउनलोड करनी है। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो दोस्तों ये वीडियो को बस इतना ध्यान रखना है कि वीडियो को एज इट इज़ अगर आप फॉलो करते हो तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली। अब मैं कुछ म्यूज़िक का नेम बताने वाला हूँ, साथ ही साथ मैं वो म्यूज़िक को डिस्क्रिप्शन पर भी नेम लिख दूंगा ताकि आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो। जैसे कि एक म्यूज़िक मैं नाम बताता हूँ, ठीक है। तो म्यूज़िक का नाम यहाँ पर आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कैसे सर्च करनी है। सो यहाँ पर आप मान लेते हैं वो आप सर्च करें यहाँ पे जो भी नाम मैं बताने वाला हूँ, जैसे कि क्रैक पॉट, क्रॉक पॉट, ठीक है ना। क्रॉक पॉट एक ये म्यूज़िक है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है और मैं भी इसको यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो क्रॉक पॉट, देखिए क्रॉक पॉट ये म्यूज़िक आप सुन सकते हैं। ये म्यूज़िक काफ़ी कमाल की म्यूज़िक है और ऐसी बहुत सारी म्यूज़िक दोस्तों आप यहाँ पर सर्च करके आप इसको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप टैप करें, एक बार टैप करने के बाद फिर राइट साइड आएंगे तो डाउनलोड की ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे जैसे टैप करेंगे वो डाउनलोड हो जाएगी। और बाकी कुछ कुछ म्यूज़िक मैं बता सकता हूँ, यो पिकासो, एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ पे और एक स्ट्रीट रैप्सोडी, ये भी स्नैक ऑन द बीच, एंड यहाँ पे स्ट्रीट रैप्सोडी का भी अलग अलग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फिर डार्क टैंक कैंसी, क्रॉक पॉट है, ड्रीमिंग ऑन है, एवरीथिंग, न्यू बैकग्राउंड। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मैं डिस्क्रिप्शन पे आपको नेम बता दूंगा, आप वहाँ से देख के सर्च यहाँ पे कर लेना, आपको वो म्यूज़िक यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, आप और उसे डाउनलोड करें। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि और भी लोग इसे यूज़ कर सकें और कॉपीराइट से बचें। एंड दोस्तों अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन और चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।